नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, तो आपको पता है कि हमारी आज से हम जो है NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2019 है हो रहा है, इसके लिए जो नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है दोस्तों। तो इसके लिए जो मैं है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा SAT यानी सोशल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर सामाजिक आता है। सामाजिक के अंदर आपके इतिहास के, ज्योग्राफी के और पॉलिटिकल तीनों के मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। आज का जो हमारा इतिहास यानी हिस्ट्री का पहला पार्ट है, उसके अंदर मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको देखने मिल सकते हैं पेपर में। तो आपको दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए और NTSE के सेट का पूरा जो सामाजिक का सिलेबस है वो करना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल घंटे दबा दीजिए, जिससे आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो में। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है गुलाम वंश का अन्य नाम क्या है। यानी पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है गुलाम वंश का अन्य नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों होगा यामिनी या इल्बरी वंश। दूसरा क्वेश्चन है रजिया सुल्तान ने याकूत को किस पद पर नियुक्त किया था। तो उत्तर है अमीर अकूर यानी अश्वशाला, यानी घुड़शाला का जो घोड़ों का जो अश्वशाला है, मतलब घोड़ों की जो शाला है घुड़शाला है, उसका प्रधान नियुक्त किया था अमीर अकूर को। अगला क्वेश्चन है लोह व रक्त की नीति लागू करने वाला शासक कौन था। यानी लोह रक्त की नीति लागू करने वाला शासक कौन था। उत्तर है बलबन। अगला क्वेश्चन है बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था। उत्तर होगा अब्दुल रहीम खान खाना। ग्रांड ट्रैक रोड किस ग्रांड ट्रैक रोड जो है जीटी रोड किस शासक बनाई थी, शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी और किस किस के मध्य होती है। दोस्तों पानीपत की जो पहली लड़ाई होती है वो तो होती है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1527 में, और दूसरी लड़ाई हो 1526 में, और दूसरी लड़ाई होती है 1556 में हेमू विक्रमादित्य और अकबर के संरक्षक बैराम खां के बीच में। वैसे अकबर है इसमें भाग नहीं लेता है, अकबर की तरफ से बैराम खां। हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की थी। हेमू ने राणा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विश्व प्रसिद्ध हल्दीघाट युद्ध कब हुआ था। हल्दीघाट युद्ध दोस्तों 1576 में हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। अगला अकबर ने कौन से धर्म का परिवर्तन यानी शुरुआत की थी। दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, हसन या जफर शाह। अगला क्वेश्चन है अकाल तख्त का निर्माण सिखों के किस गुरु ने कराया था। सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह ने करवाया था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। उत्तर है दोस्तों रायगढ़ के दुर्ग में। अगला प्रश्न है हमीर चौहान कहाँ का शासक था। दोस्तों हमीर चौहान रणथंभौर का शासक था, जहाँ पर 1301 में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। अमर सिंह का पाठक कहाँ पर है। दोस्तों अमर सिंह का पाठक दिल्ली के लाल किले में है। अगला प्रश्न है भारत में अरबों द्वारा पहला समुद्री आक्रमण कब और कहाँ हुआ। तो ये उमर खलीफा के समय 636 ईस्वी में अरबों द्वारा पहला समुद्री आक्रमण डाणे पर हुआ था। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट इतिहास के क्वेश्चन, और आपको इसी प्रकार क्वेश्चन चाहिए तो आप एक काम कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल की घंटी दबा दीजिए, जिससे इस प्रकार के वीडियो आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।